श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही श्री भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा, वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 51 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 51 पावरफुल विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। जिंदगी में कभी इतना सहना नहीं चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझकर बार बार चोट पहुंचाता रहे। किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सेवन आपको उस चीज की आदत लगा देता है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई साथ नजर ना आए, तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही नकारात्मक लोगों के साथ कभी बहस करनी चाहिए। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हें खुद करने हैं। जो लोग दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गीता के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना, वरना उसके सामने हमेशा झुककर चलना पड़ेगा। ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, सही और गलत का फर्क समाप्त हो जाता है, वहां सर्वनाश होना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था,
अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुँची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद् गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्मफल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराए लोगों में नहीं थी, ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वो भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।